और पंचकुला में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। राम रहीम के समर्थकों ने सुरक्षा बलों को जमकर खदेड़ दिया है। भटिंडा, मनसा और मुक्सर में भी कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। इस हिंसा में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं, वहीं 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पंचकुला हाईकोर्ट के आसपास का इलाका खाली करा दिया गया है। हरियाणा रोडवेज की सभी बसें बंद करा दी गई हैं। इसी के साथ पंजाब में आने जाने वाली 350 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। राम रहीम के समर्थकों ने गाजियाबाद और लोनी में 2 बसों में आग लगा दी है। दिल्ली की सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बाबा राम रहीम की सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।